हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो का टॉपिक है, आज हम लोग बात करेंगे मैं सिक्स मंथ्स टर्टल अपडेट, माय सिक्स मंथ्स टर्टल अपडेट। देखिए दोस्तों, मेरा टर्टल काफ़ी बड़ा हो चुका है। ये 6 महीना का टर्टल है। मैं उसे ख़रीदा था 30 जनवरी 2020 को, मतलब आज उसे हुआ है 6 महीने आज हुआ है उसे। देखिए वो काफ़ी बड़ा हो चुका है, उसका शेल भी पूरा ग्रीन दिख रहा है, लेकिन वो लाइट था अभी थोड़ा डार्क हो गया है। जब छोटा था पूरा कॉइन साइज का था जब मैं उसे लाया था, अभी वो पूरा बड़ा हो चुका है। उसे 6 मंथ्स अभी तक हुआ है। और अभी हम इसके फीडिंग के बारे में बात करते हैं। मैं उसे वीक में 2 बार उसे मीट खिलाता हूँ और फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी खिलाता हूँ कभी कभी। संडे को मैं उसे फ्रूट्स भी कभी कभी खिलाता हूँ। जैसे फ्रूट्स में मैं उसे खिलाता हूँ एप्पल, ग्रेप्स, ये सब खिलाता हूँ। और वेजिटेबल्स में उसे कुकुम्बर देता हूँ, कुकुम्बर। और कभी कभी उसे राइस भी दे देता हूँ, अगर होता है तो कभी राइस और रोटी भी दे देता हूँ रात को। और इसके साथ हमारे जो एक ड्राई स्टिक्स होता है, जैसे स्पिरुलिना एक ड्राई स्टिक्स होता है टर्टल फूड का, वह मैं तो ये तो उसका डेली फूड है, वो हर दिन खाता है। लेकिन वीक में हम उसे राइस रोटी एप्पल, ऑरेंज खिलाना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं है, लेकिन आप खिला सकते हैं, कभी कभी खिला सकते हैं टेम्पररी के लिए। और ये सब खिलाता हूँ। और मैं उसे एक टर्टल बॉक्स में रखता हूँ, छोटा टर्टल बॉक्स में। जब ये बड़ा हो जाएगा मैं उसे एक बड़ा टब में शिफ्ट कर दूंगा, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये सब मिलता नहीं है अच्छा मटेरियल, इसलिए मैं उसे टेम्पररी के लिए एक बॉक्स में रखा हूँ, छोटा बॉक्स में। मैं यहाँ पे भी रखा था जब उसे नया लाया था, मतलब जब वह नया आया था तब मैं इसे इस टब में रखा था। उसके बाद वो बड़ा हो गया, उसके बाद वो यहाँ से कूद कर चला गया, इसलिए मैं उसे इस टब में नहीं रख पा रहा हूँ। मैं उसके लिए और एक बड़ा टब बनाऊंगा, इतना रहेगा लेकिन इससे थोड़ा बड़ा होगा, ये वाला जो साइड वाला थोड़ा बड़ा रहेगा। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।